नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राहु के एक अद्भुत प्रभाव के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ज्योतिष योग का जब हम बात करते हैं, यानी एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए जो योग जन्म कुंडली में होने चाहिए, जब हम उन योगों पर बात करते हैं, तो उसमें हमें राहु ग्रह को देखना कितना महत्वपूर्ण है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यदि हम जन्म कुंडली में राहु को अनदेखा कर दें, विशेषकर ज्योतिषी वाले योग में, और सारे भी बहुत सारे योग हैं जिसमें राहु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे राजनीतिक का योग, जो राजनेता बनते हैं उनके भी कुंडली में राहु का अहम रोल होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। आज समझते हैं ज्योतिषीय जो योग है उसमें राहु का महत्वपूर्ण भूमिका कैसे बनता है। प्रिय दर्शकों, आप सबने कथा सुनी है समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, उसमें भगवान द्वारा मोहिनी रूप में अमृत छुपाकर राक्षसों को शराब पिलाया गया और अमृत देवताओं को पिलाया गया। इस रहस्य को यदि कोई समझ पाया है तो वो राहु है। राहु इस रहस्यमयी जो घटनाएं हो रही थी वहां उसको समझ गया, यानी जो अदृश्य यानी भविष्य में होने वाली या उसी समय जो छुपा हुआ रहस्य है, जो आम जनमानस को, जन साधारण को जो समझ में नहीं आएगा, जो दिख नहीं पाएगा, वह राहु देखने में सक्षम है। राहु उस चीज को समझने में सक्षम है। इसीलिए आज मैं कहने जा रहा हूं कि जब भी हमें एक सफल ज्योतिषी के लिए जन्म कुंडली में गणना करें कि यह जातक ज्योतिषी होगा कि नहीं, उसमें राहु को भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वह जातक की वाणी है। एक सफल ज्योतिषी वही है जो भविष्य कथन कर दिया वह सत्य हो जाए, जो वह कहा वह सत्य हो, वही तो एक सफल ज्योतिषी है। वरना कोई कुछ भी कह दे तो क्या वह ज्योतिषी हो जाता है? आपको देखने में भी आया होगा कि आम जनमानस से भी कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है, वह भी हो जाता है, तो क्या वह ज्योतिषी है? जी नहीं। लेकिन एक सफल ज्योतिषी वही है कि जो बोले वह सत्य हो, भविष्य में सत्य साबित हो जाए, वह तभी उसका फल कथन सही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वाणी का जो है ना, वो ज्योतिषी के लिए विशेष अहम भाव हो जाता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो वाणी का भाव है, यदि वह भाव बहुत बढ़िया हो गया, उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, उस भाव के भावपति अच्छे अवस्था में हैं, उसी भाव में हैं, शुभ प्रभाव में हैं, तो आपको वाणी का सहयोग प्राप्त हो जाता है, वाक शक्ति प्राप्त हो जाती है, और तब जाकर आपका फल कथन सत्य होने लगता है, सटीक होने लगता है। तीसरी बात है कि जब आप ज्योतिषी बनने जा रहे हैं या आपके जन्म कुंडली में ज्योतिष का योग दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझिए कि आपको इष्ट कृपा की भी बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि ये तो जो ज्योतिष है ये गणित गुणा है, थोड़े बहुत जोड़ घटाव करके हम ज्योतिषी बन जाएंगे, ये केवल जोड़ घटाव गुणा भाग पर निर्भर है, तो ऐसा नहीं है। इसमें वाक सिद्धि होनी चाहिए, इसमें आपको तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, आप गुणा गणित भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको इष्ट कृपा भी चाहिए, क्योंकि उनके कृपा के बिना आम जनमानस या एक साधारण मनुष्य की बात करें तो उसके बस की बात क्या है, जो भविष्य की होने वाली, भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता सके,
या भूत में घटित हुई घटनाओं को जान सके, बता सके। इसलिए एक सफल ज्योतिषी वही होता है जिस पर इष्ट कृपा हो, उसके इष्ट का, उसके गुरुदेवों का कृपा बना हो, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में दूसरा भाव भी मजबूत हो और राहु का भी शुभ प्रभाव मिल रहा हो, और इसके साथ साथ जो जन्म कुंडली में ज्योतिषीय योग बनता हो वो बना ही हो। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह विषय आप समझ गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।